वेलकम बैक टू माय चैनल इजी सिक। आज हमने लौकी का रायता बनाया है। लौकी के रायता को हम दो प्रकार से बनाएंगे, एक जीरा वाला लौकी का रायता और एक सरसों वाला लौकी का रायता। यह दोनों रायता खाने में मज़ेदार होते हैं और बनाने में बहुत ही झटपट और जल्दी बन जाते हैं। आइए देखते हैं कि यह रायता कैसे बनेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। लौकी का रायता बनाने के लिए हम लौकी को छील लिए हैं और छीलने के बाद इनको हम धो लेते हैं। धोने के बाद ही हम लौकी को काटेंगे। लौकी को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं और कुकर में आधा कप पानी डालकर धीमी आंच पर एक सीटी में प्रेशर कुक करेंगे। जब लौकी का सीटी निकल जाएगा तब लौकी को हम पानी में से निकाल कर कोरिएंडर में रख देते हैं, जिससे इनका एक्स्ट्रा पानी अच्छे से छन जाए। तब हम रायता को बनाएंगे। लौकी एक सीटी में अच्छे से प्रेशर कुक हो गया है। गर्म लौकी को हम दो भाग में बांट देंगे। हमें दो प्रकार का रायता बनाना है, इसीलिए इनको हम दो जगह रख देते हैं। एक भाग में जब लौकी हमारा गर्म रहेगा उसी समय हम सरसों वाला रायता बनाने के लिए उसमें हम आधा चम्मच कच्चा सरसों का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी और इसमें हम आधा चम्मच कच्चा सरसों का तेल डालेंगे। इन सबको हम लौकी में बीच में डालने के बाद चारों तरफ से लौकी से ढक देते हैं, जिससे यह लौकी के गर्माहट से पक जाए, और ऊपर से ढक्कन लगाकर हम रख देते हैं और लौकी को हम ठंडा होने के लिए कुछ देर छोड़ देते हैं। कुछ देर छोड़ने के बाद हम देखेंगे लौकी हमारा ठंडा हो गया है। लौकी बॉईल करने के बाद जब यह रूम टेम्परेचर तक ठंडा हो जाता है तब हम रायता बनाएंगे। गर्म लौकी में रायता बनाने से दही भी हमारा फट जाता है और रायता भी खट्टा होता है। चलिए हम सरसों वाला रायता पहले बनाते हैं। गर्म लौकी में हम पहले से ही सरसों का तेल और हल्दी डालकर रख दिए थे, जिससे लौकी के गर्माहट से यह मसाले पक जाते हैं और खाते समय इनका एक कच्चापन टेस्ट नहीं आता है। और इसमें हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग दही डालेंगे। आप रायता कम दही या ज़्यादा दही वाला पसंद करें, उस हिसाब से दही डालकर इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब दही लौकी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब इसमें हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और इसमें हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चिली फ्लेक्स डालेंगे। आप चाहें तो चिली फ्लेक्स के जगह बारीक कटा हुआ हरा मिर्चा भी डाल सकते हैं और इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह मिक्स करने के बाद हमारा सरसों वाला लौकी का रायता बनके तैयार हो गया है। यह रायता खाने में टेस्टी लगता है और सरसों का कच्चापन भी नहीं लगता है। एक सरसों के टेस्ट के साथ हमारा यह टेस्टी रायता तैयार है। ठंडा किए हुए दूसरे लौकी से हम जीरा वाला रायता बनाएंगे। उसके लिए हम इसमें दही डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा दही डालेंगे और दही को हम लौकी में अच्छे से मिक्स कर देंगे। लौकी दही में अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चिली फ्लेक्स डालेंगे। आप चाहें तो बारीक कटा हुआ हरा मिर्चा डालें और इसमें हम आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच काला नमक और इसमें हम आधा चम्मच सफ़ेद नमक डालेंगे। काला नमक और सफ़ेद नमक का मिक्सअप हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। दही और लौकी में नमक और मसालों को मिक्स करने के बाद यह हमारा जीरा वाला रायता बनके तैयार हो गया है।
यह एक सिंपल और झटपट बनने वाला टेस्टी रायता है। इस तरह हम जीरा रायता और सरसों रायता तैयार किए हैं। आप इस तरह बनाइए और बताइए कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल बटन को टच करना ना भूलें, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे।